देखा और धर्म जी हैं बहुत लंबी कास्ट है। कमल जी की फिल्म देहाती जिसको अभी रिलीज हुई उसके बैक टू बैक फिल्म रेडी है, मनोज जी ने बड़ी मेहनत की है, तो क्या कहेंगे इस फिल्म के लिए? मैं कहूँगी कि आज मैं विजयराज जी, धर्म जी, रजनीश, कायनात सबको मिस कर रही हूँ, राजपाल यादव, मुझे बहुत मज़ा आया काम करके इसमें, क्योंकि ये पहली बार मैंने इस जॉनर में काम किया है विच इज़ कॉल्ड हॉरर कॉमेडी, और आजकल वही चल रहा है, तो हम मैं भी है सही टाइम पे रिलीज़ हो रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो सक्सेस हमने इसके पहले वाले फिल्म को मैंने हमने देखा है उसी को हम फॉलो करें। सो आई नीड, वी ऑल नीड योर ब्लेसिंग्स एंड लव, एंड जब फिल्म रिलीज पे होती है तो इट्स द बेस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग, बिकॉज व्हेन वी वर्क, जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसी ये प्लान के साथ स्टार्ट करते हैं, इट्स गोना बी द बेस्ट एंड वी आर गोना पुट इन आवर बेस्ट, एंड देन करते करते यू नो बीच में कोविड हो गया, दो साल वहीं पे ऐसे इट जस्ट वेंट अवे द टाइम, तो अब आई है, मैंने ट्रेलर देखा, आपने भी देखा, अच्छा लगा होगा आई होप, एंड आई होप पीपल लाइक इट। रोहन आप क्या कहोगे? एक्चुअली 4 सालों की वेट के बाद रिलीज हुई फाइनली मूवी, और कॉमेडी है और बहुत मेहनत लगी थी हमारी, मुझे याद है जब भी हम फर्स्ट जनरेशन में बैठे थे तो बहुत कुछ है अभी ट्रेलर में, तो एक्चुअली 2.5 मिनट में कुछ पता नहीं चल रहा, बट आई सॉ द फिल्म, मैंने देखी सर के साथ, तो बहुत ही मज़ा आया देखकर, और एक्चुअली मैं हंसी आ रही थी, और भूल भुलैया की टक्कर की मूवी तो मुझे लग रहा है ये। वेरी नाइस मनोज जी, आप क्या कहेंगे एज अ डायरेक्टर? एज ए डायरेक्टर मैं सबसे पहले थैंक्स अपने प्रोड्यूसर को कहूँगा कि इनके साथ बैक टू बैक 3 फिल्में मैंने बनाई हैं, और ये बहुत बड़ी विक्ट्री है एक डायरेक्टर के लिए, एक प्रोड्यूसर के साथ 3 फिल्में बनाना, आगे भी योग बना रहेगा हमारा, और फिल्म में इतने मजे हुए कलाकार, मधु जी, धर्म जी हमारे सबके लेजेंड हैं, रजनीश, कायनात, विजय राव जी ने बेस्ट विशेस बोला है क्योंकि इनका भी ऑपरेशन हुआ था। हाँ जी, तो उन्होंने हमले पे ही बुलाया था करेंगे लेजेंड कलाकारों के साथ, उन सबको एक साथ एक फिल्म में एक माला में परोना, ये मेरी उपलब्धि है, और कमल जी ने मुझे मौका दिया इसका, और मधु जी का कैरेक्टर और धर्म जी, एक अलग ही मज़ा आया इस फिल्म में, एक तो हॉरर कॉमेडी फिल्म है, डरा तो हम शूटिंग में तो कोई नहीं डरेगा लेकिन हंसते हंसते फिल्म बनी है, एक बड़ा फैमिलियर माहौल रहा इस फिल्म का, और अभी 16 सितंबर को रिलीज है, बस सब यही दुआएं हमारी सबकी मेहनत सफल। कमल जी आप क्या कहेंगे, 16 को फिल्म रिलीज हो रही है, देहाती डिस्को ने तो इतना डांस कराया लोगों को, इसमें क्या होने वाला है? मनोज जी एकदम सही बोल रहे हैं, जो होने वाला मनोज जी ने कन्फर्म बोल दिया है, बाकी ऑडियंस को पसंद आए। हाँ ऑडियंस को पसंद आए बस, और अगली क्या अनाउंस कर रहे हैं सर? मनोज जी बताएंगे अगली, जो सस्पेंस में अभी बनाएंगे 100% बनाएंगे, जिस 3 फिल्में हम बैक टू बैक बना चुके हैं, तो ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो पहली कॉपी में ही लड़ लेते हैं, हम 3 फिल्म कंप्लीट करके रिलीज करने जा रहे हैं। योगेश जी आपने जुड़े होते हैं एज अ मीडिया पार्टनर, इस फिल्म में आपने बहुत अच्छा किरदार निभाया जिसमें आप योगेश लखानी का ही रोल कर रहे हैं, आप इनकी कंपनी में आते हैं किसी बिजनेस को लेके मीटिंग होती है आपकी, योगेश जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, आप होल्डिंग देखेंगे कम से कम कुछ नहीं तो 25 होल्डिंग होती है। योगेश जी अपने रोल के बारे में बताइए, आपने बहुत बहुत अच्छा काम किया, सरानी जी के साथ था, रजनीश दुग्गल थे उस सीन में, तो कैसा लगा एक्टिंग करके? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मनोज शर्मा जी और कमल किशोर जी का शुक्रिया करता हूँ, और ये मेरी 6ठी या 7वीं फिल्म में 1 मिनट का 2 मिनट का रोल होगा, शाहरुख भाई के साथ दिलवाले में, सैफ अली खान के साथ बाजार में, मधुर भंडारकर के साथ और नील नितिन के साथ बहुत सी फिल्में मैंने अच्छा काम किया है, सर के साथ भी मुझे छोटा सा मौका मिला है, तो मैंने तो मेरे को तो एक्टिंग आती नहीं लेकिन ट्राई किया है, आपके आशीर्वाद। अभी तो आपने राजपाल के साथ भी काम किया, राजपाल के साथ भी एक फिल्म की थी लास्ट, अर्थ का अर्थ में अर्थ में भगवान के दया से सर एक्टर बन गया, करना पड़ेगा अर्थ साथ में, हर फिल्म अभी डेट नहीं मिलेगी, आपकी एक्टिंग अच्छी है डेट नहीं मिलने वाली है, होर्डिंग लगेगा 25 होर्डिंग लगेगा, मेरा होर्डिंग इतना लकी है, सभी सुपरस्टार की पहली पिक्चर मेरी है, तो मैं सबके लिए बहुत लकी हूँ, और अभी बावल भी ऐसा चल रहा है अच्छा, और सर ने वादा बोला किया है मुझे, और जो भुलभुलैया टाइम के सर ने जो बोला, भुलभुलैया का काम भी मैंने किया, सर का काम भी मैं कर रहा हूँ, तो 12 लाख उनको जाने वाला है और बहुत अच्छा काम होने वाला है। रणवीर सिंह ने आपकी बहुत तारीफ की फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर, फिल्म फेयर अवार्ड में इतनी तारीफ की, बोले ब्राइट किधर है, ब्राइट को बताओ गोल्डन गोल्डन शर्ट पहन के कहाँ है मेरे भाई, हार्ट वाले गोल्डन हार्ट वाले, रणवीर ने 3 मिनट तक ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ही इनका दिया।
सभी सुपरस्टार की पहली मूवी मेरी है, सभी सुपरस्टार शाहरुख सलमान ऋतिक रणवीर आलिया दीपिका मल्लिका बिपाशा कटरीना जितने फिल्म स्टार है सुपरस्टार सबकी पहली पिक्चर की होर्डिंग ब्राइट होर्डिंग के थ्रू ही लगी है। सब मेरे दोस्त थे जब छोटे थे तभी से मैंने उनके साथ जुड़ा हूँ तो सब मुझे दिल से प्यार करते हैं, मेरे बर्थडे पार्टी में सब आते हैं, मेरे हर इवेंट्स में आते हैं। अगली पार्टी का और इनके लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैं इनको जहाँ भी मिलती हूँ, केमा जी केमा मिलते हैं, सारे फंक्शन में मिलते हैं, he always makes the effort to come forward and say hello. जितनी भी भीड़ हो कहाँ भी मिले he is always very gracious and very warm. So he is a very good hearted person and he deserves all the love. अभी यहाँ से सभी को मेरे ऑफिस में ऊपर चाय नाश्ता करने को आने का क्या बात है, आठवां वाले में मेरे ऑफिस कुछ बोल रहे हैं। बस योगेश भाई आपने सबका नाम लिया, आपके बगल में 90 के दशक की सुपरस्टार खड़ी है, इनकी फिल्म का कोई होल्डिंग आपकी शुरुआत नहीं है ना, इनका नाम इनके सामने कैसे लोगे, नहीं रहे तभी नाम लेने सर पार्टी दे रहे हैं अभी पार्टी हो रही है पार्टी अभी जस्ट माहौल अच्छा हो जाए और मैडम डेट दे देगा तो पार्टी कर लेंगे। थैंक यू हो गया थैंक यू।